एमपी सरकार ने नाइट कल्चर को बढ़ावा देते हुए प्रदेश के बड़े शहरों में नाइट कल्चर लागू करने का फैसला लिया था, लेकिन अब सरकार इंदौर में लागू इस कल्चर को बंद करने जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के मुताबिक कलेक्टर आशीष सिंह ने बड़ा फैसला लेते हुए रात में बाजार और दुकानें खोले जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि कुछ सीमित स्थानों पर जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और उसके आसपास तक ही ये लागू किया जाएगा और इसके संशोधित आदेश जारी किए जाएंगे। तो फैसला क्यों लिया गया है? कैलाश विजयवर्गीय ने यह मुद्दा उठाया था। देर रात तक खुले रहते थे बार और पब, नाइट कल्चर से युवा बिगड़ रहे थे। कई तस्वीरें सामने आई थी जहां पर युवाओं के गुटों में झगड़ा हो रहा था, मारपीट हो रही थी। मुख्यमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण निर्देश, जो नाइट कल्चर है जिसके संबंध में यहाँ पर खासतौर पर BRTS के संबंध में जो एक आदेश निकला था जिसमें रात भर दुकानें खुली रहने का आदेश था, उसके संबंध में उन्होंने निर्देशित किया है कि इसको रिवाइज़ किए जाने की ज़रूरत है और जहाँ पर आवश्यकता है जैसे बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है या अन्य कुछ इस प्रकार की अगर जगहें हैं केवल वहीं तक उसको सीमित किया जाए, उसकी समीक्षा करी जाए, जिस संबंध में सभी से बातचीत करके एक संशोधित आदेश निकाला जाएगा। मिथिलेश गुप्ता इंदौर से हमारे साथ ही फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, जो हाल ही में घटनाएं हुई हैं, तस्वीरें वीडियोस वायरल हुए हैं कि किस तरह युवा लड़ रहे थे सड़क पर पब या बार के बाहर, उन तमाम घटनाओं को देखते हुए तो ये फैसला बेहतरी के लिए लिया गया है? जी बिल्कुल, और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जब नाइट कल्चर शुरू हुआ था उसके बाद ही सबसे पहले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ये बात कही थी। उस वक्त वो राष्ट्रीय महासचिव थे, उन्होंने ये बात कही थी कि नाइट कल्चर पर प्रशासन को सोचना चाहिए, इसके लिए रिव्यू मीटिंग होनी चाहिए और जनप्रतिनिधियों के साथ में। कहीं ना कहीं नाइट कल्चर की वजह से इंदौर में देर रात अपराध हो रहे हैं। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी कहा था कि नाइट कल्चर पर विचार जरूर करना चाहिए। मंत्री उषा ठाकुर थी, उषा ठाकुर ने कई बार इसकी मुख्यमंत्री तक शिकायत की थी कि नाइट कल्चर इंदौर के लिए ठीक नहीं है, इंदौर की संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। अक्सर विवाद की स्थितियां सामने आती हैं, एक नहीं कई सारी ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे इंदौर को शर्मसार भी होना पड़ा। 20 सड़क कई सारे विवाद की तस्वीर सामने आई, कहीं ना कहीं से घटनाएं रुक नहीं रही थी, यानी थम नहीं रही थी, लगातार नाइट में विवाद हो रहे थे। इसको देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है और जैसे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आज इंदौर पहुंचे, मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री जी ने जब इस पूरे मामले को लेकर पूछा तो इंदौर के सभी जनप्रतिनिधियों ने कहा कि नाइट कल्चर को बंद कर देना चाहिए, इंदौर की संस्कृति के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है और इस पर एक बड़ा फैसला लिया जा चुका है। कलेक्टर आशीष सिंह ने इसके लिए बकायदा एक आदेश निकाल दिया है कि अब जो BRTS के आसपास की दुकानें देर रात तक खुली रहती थी अब तत्काल प्रभाव से उन आदेश को, पुराना जो आदेश दिया गया था उसे खारिज किया जाता है, यानी निरस्त। ठीक है मिथिलेश, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। राजधानी भोपाल में आबकारी विभाग ने सस्ती शराब खरीदकर उसे महंगे ब्रांड की बोतलों में भरकर फर्जी सील और स्टिकर लगाकर मोटी कमाई करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। आबकारी विभाग की टीम ने कई महंगे ब्रांड की करीब 3 लाख रुपए की शराब जब्त की है। आरोपियों के साथ एक पुलिस वाला भी शामिल है। फिलहाल पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 मोबाइल फोन और एक गाड़ी भी जब्त की गई है। कि प्रशांत नाम का मेरा एक मित्र है जो मुझे ये शराब ला करके देता है और इसका मैं विक्रय करता हूँ। फिर हमने एक टीम लगाई, टीम ने जब रात को घेराबंदी की तो हमने फिर उससे बोला कि आप हमें और शराब उपलब्ध कराइए, हमें ज्यादा क्वांटिटी में ये चाहिए। तो उसने टेलीफोनिक मोबाइल से बात करके प्रशांत से शराब बुलवाई। IP कार में 3 लोगों को हमने उस शराब के साथ जब्त किया। ये सारी बोतलें आपने अभी देखी और उसमें टेक्निकल आपने जो अंतर है वो भी आपने देखा। तो निश्चित रूप से ये एक तरह से कहीं ना कहीं हाई रेंज की एंटी बॉटल्स में सस्ती शराब की रिफिलिंग करके बेचने का मामला है। बड़ी खबर बालाघाट से है जहां कृषि विभाग ने पुलिस के साथ संयुक्त रूप से नकली खाद बनाने वाले गोदाम पर छापा मारा। यह अब तक की सबसे बड़ी और पहली कार्रवाई है। एग्रो ग्रीन कृषि केंद्र बारा सिवनी के संचालक अजय कटरे के गोदाम पर छापा मारा गया जहां से ब्रांडेड कंपनियों की लगभग 3,400 खाली बोरियां और अन्य कंपनियों की 1,500 भरी बोरियां बरामद की है। यहां पर असली कंपनी की खाद की बोरियों में नकली DAP भरकर बेची जा रही थी। गोदाम में इन बोरियों से सिंगल सुपर फास्फेट खाद को निकालकर नकली DAP खाद भरी जा रही थी।
था कि जो ब्रांडेड कंपनियों की जो बोरियां खाली प्रिंटेड बोरियों में सिंगल सुपर फास्फेट या कोई अन्य खाद दानेदार खाद उसमें भर करके DAP या 20-20-0-13 के नाम से उनको विक्रय करने का प्रयास किया जा रहा था, तो इसमें हमने FIR करवाई है।